सरहदी जिला कुपवाड़ा के त्रेगाम इलाके में आज आवारा कुत्तों ने स्कूली बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग शहरियों को निशाना बनाया। आज करीबन 9:30 बजे गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल त्रेगाम के करीब आवारा कुत्तों ने स्कूल जाती हुई 3 लड़कियों के साथ साथ बुजुर्ग औरत को हमला किया और जख्मी कर दिया। बाद में पाँचों को इलाज और मुआवजा के लिए नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया गया। वाजर कुपवाड़ा के कई एक इलाकों में आवारा कुत्तों ने दहशत मचा के रखा है, जिसे आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मसले पर ज़िला इंतजामिया बेबस नज़र आ रही है और ज़मीनी सतह पर कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। त्रागम तुम कत सुधराम अस्तान आज का ही वाका नहीं, इससे पहले भी कुछ ऐसी बहुत सारे वाका हुए हैं। मेरे खुद के घर में मेरी अपनी बेटी से ऐसा मसला हुआ है पिछली बार, तो मैं चाहता हूँ कि पहले इसमें गवर्नमेंट तो फेल है, एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल फेल है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आइंदा इस जो ये प्रॉब्लम होती है ऐसा ना हो, वाइल्ड लाइफ से कंसर्न होके पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर इनके साथ कंसर्न करके जो यहाँ पर त्रेगाम में ये जो कुत्तों का मामला है, ये तो पिछले साल भी हुआ है, एक ही बार नहीं हुआ, कम से कम ऐसे जो आए ये भी आज हुआ है, कल और हो जाएगा। अगर इस मामले में हम कदम नहीं उठाएंगे तो देखो ये तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमें इसमें मिलजुल के सबको मिलजुल के इसके लिए कोई कदम उठाना चाहिए ताकि आइंदा ऐसा ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ये कहूंगा कि यहाँ पर जो हमारा हॉस्टल है ठीक है, मैं मानता हूँ हॉस्टल यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, मगर आज बदकिस्मती की वजह से यहाँ पर वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है, जो कि इन बच्चों को वैक्सीन हमें देना था वो भी अभी प्रेजेंट नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज डी साहब से जो भी यहाँ बीएम साहब जो भी है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आइंदा ये प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि मेन वक्त पे वैक्सीन ना मिल पाए। यहाँ पर एक बुजुर्ग लेडीज भी है, बच्चियां हैं, यहाँ पर गर्ल्स हायर सेकेंडरी त्रेगाम से ऊपर की तरफ 1 किलोमीटर पड़ता है, तो मेन रोड पे ये मामला हुआ, मेन रोड पे ये मसला हुआ जहाँ पर ये बच्चियां रोज इसी तरह स्कूल जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछली बार भी ऐसा हुआ, आज भी हुआ, कल भी होगा, तो इसके लिए हमें हेल्थ को भी अपनी जगह रेडी होना चाहिए, हेल्थ के पास भी ये दवाइयां बाकी चीज जो भी है रेडी अवेलेबल होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की भी इसके खिलाफ कोई कदम उठाए ताकि ऐसे मामले रोज ना हो जाए। अफसोस एडमिशन खातर यहूँ जाए जाए गली गली एडमिशन वनक द्राय सारे बची कम से कम गई दह बची अची खास कर ज्यादा ब्या बुढ़ मोज तस् कर ज्यादा फान ये एडमिशन शुंगित क्या मुश्किल ये त्रगाम मे त्रगाम मशहूर एडमिशन बिल्कुल शुंगित बिल्कुल शुंगित उसका किया, वो उनको रेफर किया हस्पताल सुबह सवेरे हुआ है, घर में उस कुत्ते को भी मारा गया, उस कुत्ते को मारा। तो सर बाकी जो कुत्ते कोई नहीं था वहाँ भी अरेंज करवाए दवाई ववाई, कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं आगे? कुत्ते तो हमारा तो इंजेक्शन नहीं बनता है, हमें नहीं बताते हैं कि कुत्तों को क्या करना है इनका। वैसे मैं हाई कोर्ट में भी ये काट रहे हैं, अगर कोई ठोस सरकार कोई फैसला लेगी इस बारे में तो हम तो सरकारी ऑफिसर हैं, हम तो फॉलो करते हैं हर एक डायरेक्शन। बिल्कुल सर, मगर लेकिन ये अचानक एक पागल कुत्ता था इसको मार डाला, ये मतलब नॉर्मल नहीं था, इसका प्रॉब्लम था कुत्ते का। तो सर अभी मतलब ज्यादा कुत्तों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई तो लोगों का महाल हो गया, लोगों का चलना महाल हो गया, तो खासकर मैं त्रेगाम की बात करूंगा, आपके ज्यूरिडिक्शन में कुछ तो ऐसा इंतजाम होना चाहिए ताकि बच्चे स्कूल जा सके, बाकी जो काम हो सके। आज तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम, मैं भी पिछले 4-5 महीने से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया सामने, आज ये कुत्ता ये पागल हो गया था, ये मतलब इसी वजह से इसने काटा। अभी तक तो जहाँ से मैं जब से मैं यहाँ पोस्टेड हूँ ऐसा कोई शिकायत नहीं आया, लेकिन हम देखेंगे अब आगे चलकर कुछ ना कुछ करना है, मैं देखूंगा, आई विल टेक अप द मैटर विद एडमिनिस्ट्रेशन, हमने किया वैसे सुबह से भी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। अल मेहराब टूर एंड ट्रेवल्स हज और उमरा सर्विस में एक मुनफरिद नाम, जहां पर उमरा के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप सोपोर, बारामूला, अवंतीपोरा, हंदवाड़ा, श्रीनगर, गांधरबल और कुलगाम में हमारी शाखों से राबता कायम कर सकते हैं।
अल महराब टूर एंड ट्रेवल्स एक काबिल एतमाद और भरोसेमंद नाम, ज़ायरीन के लिए तसली बख्श खिदमात के साथ साथ उन्हें हर आसाइश पहुंचाने की हम भरपूर सही करते हैं। अल महराब टूर एंड ट्रेवल्स, हमारे राबता नंबरात हैं 7006650835, 7006173170।